स्टार्ट कर देते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो पहली बात जो इसके बारे में याद रखना है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फादर। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी सबसे पहले फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर जो नाम आता है आप वेल फेमस नेम है, आपने सुना भी होगा उसका नाम। ठीक है, आपने एक उसका नाम नहीं सुना होगा उनका, तो एक चीज सुनी होगी एडिसन्स डिजीज, सुनी होगी शायद ये एडिसन्स डिजीज। ठीक है, ये सुनी होगी आपने पक्का। ठीक है, एडिसन डिजीज। ठीक है, एडिसन्स डिजीज की बात करें तो क्या होता है एडिसन डिजीज में, जैसे एक नॉर्मल बात करें कि भाई एडिसन्स डिजीज के अंदर कुशिंग सिंड्रोम का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम का जस्ट अपोजिट है, इसके अंदर आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो जाते हैं। ठीक है, बात वो नहीं है कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एडिसन्स डिजीज, ठीक है, एडिसन्स डिजीज सबसे पहले ठीक है एंडोक्राइन के अंदर ये डिसऑर्डर डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, उस बंदे का नाम था थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन, ठीक है, फर्स्ट एंडोक्राइनोलॉजिक डिसऑर्डर इसके अंदर दिया था थॉमस एडिसन। ठीक है, इसका नाम है एडिसन्स डिजीज, इसी के नाम से रखा था, और ये ही क्या है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन। ठीक है, जिसने सबसे पहले एडिसन्स डिजीज को क्या किया था, आपके इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले डिस्कवर इसी ने किया था एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कौन हुआ, थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन, गुड इवनिंग सर। चलिए उससे आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, पहली बात तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड जो आपका सामना होगा इसके अंदर, ठीक है, वो होगा थॉमस एडिसन का, तो पहले हो चुका, अब हमारा सामना होगा इसके अंदर किससे, ग्लेंड से। ठीक है, ग्लेंड से सामना होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं इनको क्लियर कर रहा हूं कि ग्लैंड्स क्या चीज होती है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो ग्लैंड्स के अंदर आता है आपके ऑर्गन दैट सीक्रेट पर्टिक्यूलर केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गन दैट सीक्रेट पर्टिक्यूलर केमिकल सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गन जो कुछ केमिकल रिलीज करते हो, बनाते हो, सिंथेसिस करते हो और रिलीज करते हो, कुछ ऐसा है उसको बोलेंगे ग्लैंड्स। तो ध्यान से समझो, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्लैंड है। ठीक है, ये आपकी एक मान लीजिए ग्लैंड है। ठीक, और यहां पे आपका एक टारगेट टिश्यू है। टारगेट टिश्यू का मतलब वो जहां पे इसको काम करना है उसको क्या बोलते हैं, हम टारगेट टिश्यू बोलते हैं। तो जैसे ये ग्लैंड के दो तरीके हैं यहां तक जाने में, एक तो मान लो इसने ये सब्सटेंस रिलीज किया। ठीक है, ये आपके केमिकल रिलीज किया, ऐसे मान लीजिए केमिकल रिलीज किया इसने ये, और ये केमिकल को यहां तक पहुंचाने के लिए हो सकता है दो तरीके हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हो सकते हैं ध्यान से समझना, कि एक तो हमें एक पर्टिकुलर डक्ट बना दे। ठीक है, एक डक्ट बना दे, एक पाइप बना दे जो यहां से ओपन हो और कहां तक पहुंच जाए, आपके टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाए। ठीक है, एक तो ये सिस्टम हो सकता है, और एक और क्या सिस्टम हो सकता है वो ध्यान से समझो। ठीक है, मान लेते हैं ये एक आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई इसको दे रही है, तो ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट होता रहता है, तो ये क्या करे, ये ग्लैंड क्या करे कि इसके जो सब्सटेंस है ना, जो सीक्रेशन है, ठीक है, उसको किस में डाल दे, ब्लड के अंदर डाल दे, तो ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा और ये कहां तक पहुंच जाएगी, टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगी। तो ये दो तरह के आपके हो सकते हैं, कैसे ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज हुआ है वो टारगेट टिश्यू तक पहुंचे, एक तो वो जो जिसमें डक्ट की हेल्प ले सकते हैं, एक डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाए,
ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर तो कोई डक्ट है ही नहीं, ठीक है। यदि ऐसी ग्लैंड है तो उसको बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलेंगे? डक्टलेस ग्लैंड। और ये डक्टलेस ग्लैंड हैं, ये क्या करती हैं कि सीधी की सीधी अपने खुद के सीक्रेशंस को किधर डाल देती हैं, आपके सर्कुलेशन में डाल देती हैं। और इन्हीं डक्टलेस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो डक्टलेस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। सीधी सीधी बात करें कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, एंडोक्राइन वो होती है जो टारगेट टिश्यू तक जाने के लिए कोई डक्ट का सहारा नहीं लेती, कोई डक्ट के थ्रू इनके सीक्रेशन नहीं जाते, डायरेक्टली क्या करती है? डिफ्यूज कर देती है ब्लड में, फिर ब्लड के थ्रू वो चीजें पहुंचती है, तो इनको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो डक्ट के थ्रू जाती है, विद डक्ट जो आपके जाती है, इसको बोलेंगे क्या आपके? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दो चीजें हुई, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन वो जो डक्टलेस है, ठीक है, और एक्सोक्राइन हो जो डक्ट के थ्रू जाता है, जैसे पेनक्रिएटिक अमाइलेज आया, ठीक है, लीवर से बाइल आया, ठीक है, तो ऐसी चीजें, गॉल ब्लैडर से बाइल आया, ठीक। तो देखो कि जो डक्ट्स हैं, ठीक है, वो एक्सोक्राइन, जो डक्टलेस है सीधे ब्लड के अंदर जा रही है वो कौन सी? एक्सोक्राइन। और तीसरा जो एंडोक्राइन भी हो और एक्सो भी हो, ठीक है, ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी हो एंडोक्राइन भी हो, उसको बोलेंगे हेटरोक्राइन ग्लैंड, हेटरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीन तरह की ग्लैंड आपके हुई। यहां से एक आपके क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन आपके बन जाता है कि कौन सी ग्लैंड हेटरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया अभी तक क्या ग्लैंड्स क्या है, ऑर्गन दैट सीक्रेट द पर्टिकुलर केमिकल और सब्सटेंस, ठीक है। उसमें यदि विद डक्ट यदि ये रिलीज कर रही है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, विदाउट डक्ट इट इज नॉट देयर डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड, और कोई ग्लैंड में दोनों चीजें हैं तो उसको बोलेंगे हेटरोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, हेटरोक्राइन ग्लैंड्स। हाँ जी, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे एग्जाम्पल, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स मैं बहुत जल्दी जल्दी इन चीजों को लिख रहा हूं जिससे आपको अभी टाइम खराब ना हो, ठीक है। एक्सोक्राइन जो डायरेक्टली डक्ट्स के अंदर डालेंगी उसमें होगा स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, आपके सेलाइवरी ग्लैंड, ठीक, मेमोरी ग्लैंड्स, स्टमक, लीवर, ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई? ये वाली ग्लैंड्स हो गई। दूसरी वाली कौन सी है? आपके एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ग्लैंड्स है, एक दो के नाम लिख लेते हैं, पिट्यूटरी, एड्रीनल, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, इनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कौन सा? हेटरोक्राइन, हेटरोक्राइन ग्लैंड, हेटरोक्राइन के अंदर आप याद रखना कौन सा? पेनक्रियास, पेनक्रियास जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन भी और आपके एंडोक्राइन भी है, ठीक है। सभी की बात करेंगे, एंडोक्राइन हम सिस्टम पढ़ेंगे, तो ऐसी डक्टलेस ग्लैंड वाला सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं जिसको बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, और उसकी स्टडी को बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट देखो, अब तक दो पॉइंट आए एग्जाम में, कौन कौन से हुए? कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन, ठीक है। सेकंड, आपके डक्टलेस ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना था वो क्या था? कि पेनक्रियाज इज वर्क एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आगे चलते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं, वन बाय वन हम शुरू कर देते हैं। चलो नेक्स्ट आता है
the chemical released, chemical substance released from released from endocrine gland, endocrine gland known as hormone. क्या बोलेंगे उसको? हॉर्मोन्स बोलेंगे. ठीक है, जो एंडोक्राइन के सब्सटेंस जो ये रिलीज करेंगी, ठीक है, जो ये बनाएंगी उनको बोलेंगे, सिंथेसिस और रिलीज करेंगी उनको बोलेंगे क्या? हॉर्मोन्स. ठीक है, तो एंडोक्राइन के जो रिजल्ट आएंगे उनको बोलेंगे हम सिंपली हॉर्मोन्स, इसको बोलेंगे. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं. सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, इतना तो ठीक है. हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम एंडोक्राइन. बहुत सारे हमारे पास ग्लैंड्स हैं. एक और इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनता है कि एक इंपॉर्टेंट है कि देखो कुछ एंजाइम होते हैं. रेनिन से एक लाइन है आपके, ठीक है, बाकी रेनिन क्या होता है वो तो हम पढ़ेंगे. ठीक है, रेनिन से एक लाइन है, रेनिन इज. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन यहां पे बन गया आपके. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बन गया, डी तक क्वेश्चन है. रेनिन इज हॉर्मोन एंजाइम, रेनिन इज हॉर्मोन एंजाइम बोथ ए प्लस बी, नन ऑफ देम. ठीक है, जल्दी इसका आंसर दीजिए जिससे हम आगे चलें. हाँ जी, चलो ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर दे दिया है. अब हम बात करते हैं, रेनिन जो है जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से किडनी से सीक्रेट होता है वो दोनों की तरह काम करता है. ठीक है, एज ए हार्मोन भी, एज ए एंजाइम भी. ठीक है, एज ए हार्मोन भी, एज ए एंजाइम. तो राइट आंसर विल बी सी. ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? सी. ठीक है, लगाइए राइट आंसर होगा आपके सी. रेनिन एक्ट एज बोथ एंजाइम एंड हॉर्मोन. ठीक है, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स. ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपके सी. ठीक, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास पूरी की पूरी. हाँ जी, तो अब हम आगे चलते हैं. लिस्ट है हमारे पास पूरी की पूरी, देखिए क्या क्या लिस्ट है, ध्यान से आपको समझना है. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन क्या करती है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, जल्दी जल्दी मैं एक ही लाइन में पूरा कर रहा हूं इसको. ठीक है, जल्दी जल्दी पूरा कर रहा हूं एक ही लाइन में. देखो कौन कौन सा आपके, हाइपोथैलेमस. दूसरी हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड. तीसरी पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, फिर थायराइड. बॉडी में याद करते जाओ कहां कहां है थायराइड. थायराइड ग्लैंड, उसके बाद थाइमस ग्लैंड. ठीक है, फिर और आगे चलते हैं हम थाइमस के आगे. थाइमस ग्लैंड तक बात हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास,
एड्रीनल, एड्रीनल ओवरीज टेस्टिस, ठीक है, ये कुछ आपके, हाँ जी, ये कुछ आपके ग्लैंड्स हैं, सबकी हम बात करेंगे, ठीक है। यहां से शुरू हो जाइए, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रेनलिन, ठीक है, ओवेरीज एंड टेस्टिस। मुश्किल से 20 घंटे का सिस्टम है, ठीक है। तो हाँ जी, आगे चलते हैं, टेस्टिस एंड ओवेरीज, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब हॉर्मोन के बारे में फिर हमको बात करनी पड़ेगी, हॉर्मोन के बारे में एक बार काम की चीजें देख लेना, हार्मोन के बारे में। हाँ जी, हार्मोन्स जो डिस्कस कर रहे हैं, बंधु ध्यान से समझना इस बात को, यदि इसको समझ गए ना तो फिर दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। कैसे हार्मोन जो डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं लिपिड डिराइव्ड, लिपिड डिराइव्ड हार्मोन, लिपिड ड्राइव्ड डिराइव्ड हार्मोन, ठीक है। एक कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिनको बोलते हैं लिपिड ड्राइव्ड डिराइव्ड हार्मोन, ठीक है। वन बाय वन ही डिस्कस कर लेते हैं, पहले तो ठीक है, देखो अब लिपिड ड्राइव हार्मोन की बात करें तो ध्यान से समझो, पहली जो लाइन इनके बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है, देखो दो पॉइंट और लिखता हूं। सेकंड जो है आपके अमाइनो एसिड, एसिड डिराइव्ड हार्मोन, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, ठीक है। और हमारे पास थर्ड है पेप्टाइड हार्मोन, थर्ड है पेप्टाइड हार्मोन, ध्यान से समझोगे एक बार इनको। ये तीन तरह के बेसिकली हमने हार्मोन्स को क्लासिफाइड किए, ठीक है। रेड से दिख नहीं रहा, मैं इससे लिख देता हूं, लिपिड डिराइव्ड हार्मोन, ठीक है। तो जो भी एंडोक्राइन के आउटपुट हैं जिनको हमने हार्मोन बोला है, उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, लिपिड डिराइव्ड, अमाइनो एसिड डिराइव्ड और पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन दोनों अलग अलग रखे हैं, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड हार्मोन हमने अलग अलग इनको रखे हैं, ठीक है। ध्यान से आपको बात को सुनना है, मैं बात कर रहा हूं पहली किससे, आपके लिपिड डिराइव्ड हार्मोन, ठीक है। पहला पॉइंट जो इनके बारे में याद रखना है लिपिड ड्राइव के बारे में, वो याद रखना है डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। दूसरी बात करें कि दूसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है दीज आर लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल, ठीक है। ये क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड के अंदर घुल सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। ये जनरली या तो इनका ग्रुप हो सकता है, दोनों चीजों की बात करें, या तो इनका जो ग्रुप हो सकता है वो कीटोन हो सकता है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, या अल्कोहल ग्रुप से हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप से हो सकता है, या तो कीटोन ग्रुप हो सकता है या अल्कोहल ग्रुप से हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को अभी मैं मिटा रहा हूं, बाद में लिखूंगा, कीटोन ग्रुप से हो सकता है या अल्कोहल ग्रुप से हो सकता है। और यदि अल्कोहल ग्रुप से है तो उसके लास्ट में जो सफिक्स लगेगा, ठीक है, सफिक्स लगता है ना नाम के पीछे लगाते हैं वैसे, वो लगेगा आपके क्या, ऑल, जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑल, ठीक है, जो भी है। और यदि ये कीटोन ग्रुप से है, ठीक है, तो यहां पे लगेगा ऑन, O N E on, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये लगेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं
जैसे कि एग्जांपल लिया हमने कुछ स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। समझो बात को एक बार पकड़ गए ना फिर देख लेंगे, ठीक है। देखो स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन में जैसे हमने लिया कोर्टिसोल, कोर्टिसोल देखो आ रहा है ना, कोर्टिसोल मतलब एल्कोहल ग्रुप का है, लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। नाम पढ़ते ही पता लगना चाहिए फैट सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है तुरंत, ठीक है। तो कोर्टिसोल, ठीक है। और जैसे हम बात करें देखो, और देखो आपके कोर्टिसोन, कोर्टिसोन ठीक है, या कीटोन ग्रुप है तो कोर्टिसोन, ठीक है। पहले इनकी बात करो स्टीरोइड की, और स्टीरोइड कौन सा आता है, कोर्टिकोस्टेरॉन, कोर्टिकोस्टेरॉन ठीक है, ये कीटोन ग्रुप वाला हो गया कोर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। और आपके जैसे एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। और भी देखो और बहुत सारी चीजें हैं, टेस्टोस्टेरॉन, 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 ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो जाए फिर यहां से, इतनी बड़ी बातें हो रही है तो ठीक है, बेसिक है, बेसिक है। संजना शर्मा मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ, मैं यही तो पढ़ाने चाह रहा हूं। नाम देखो ना कैसे है उनका नाम, उसके हिसाब से जाइए कि वो है या नहीं है। बीटा मेथासोन कौन सा हार्मोन आ गया, एक सिंथेटिक ड्रग है, हाँ जी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, नेक्स्ट आता है आपके जो ऐसे समझ लोगे ऑल क्या है, ऑन क्या आ रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से समझ लोगे। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन क्या है देखो मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझो। मालिक कम से कम इतना तो, हाँ ठीक है, इतना तो पूछो, स्टीरोइड पूछ रहे हो तो स्टीरोइड तो लिखो कम से भी कम, ठीक है। हार्मोन पूछ रहे हो तो हार्मोन तो लिखो, ड्रग तो मत लिखो कम से भी कम, हाँ जी। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है लिपिड सोल्यूबल, बी ऑप्शन है वाटर सोल्यूबल, सी ऑप्शन है ठीक है, दो ही दे देता हूं, दो में से ही बताओ, ए और बी में से, ठीक है, ए और बी में से बताओ। दीपा सिंह का एक कमेंट आया है वो मैं पढ़ लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन पे बात सोचिए। एक क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ऑर्गन दोनों सेम ही है, एंडोक्राइन ग्लैंड या दोनों में कोई डिफरेंस है, लाइक किडनी इज एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ऑर्गन लाइक थायराइड एंडोक्राइन ऑर्गन। देखो एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स है ना वो उसकी ग्लैंड है, बट हर कहीं से भी यदि हॉर्मोन सीक्रेट होता है ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको ग्लैंड बोले, ठीक है, उसका प्राइमरी फंक्शन वगैरह भी देखते हैं, ठीक है, तो उसको ग्लैंड बोले, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं बात करूंगा एक एक ग्लैंड पे, ठीक है, हाँ जी। सी ऑप्शन और दे देते हैं, नन ऑफ देम, ठीक है, आप आंसर चेंज कर सकते हो, नन ऑफ देम, ठीक है, आंसर चेंज कर सकते हो आप, नन ऑफ देम।
चलो अब इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। तो इसका आंसर देखो एक्चुअल में आना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल में इसका आंसर आना चाहिए। देखो कुछ आपके ऐसे हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो आपके लिपिड डिराइव्ड हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड डिराइव्ड हैं, कुछ प्रोटीन आपके पेप्टाइड डिराइव्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा देखो ये सी नन ऑफ देम वाला, ठीक है, बट इसका आंसर तो ए ही है, भले ही किसी का तुक्के से सही हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर तो ए ही है, ठीक है। तो ए पे लगा दो, सवाल नहीं पूछोगे, ए पे लगा दो आंसर, लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है। इसमें तो आया ही नहीं कीटोन और ऑल नहीं आया ना, ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसके बारे में। देखो जो आपका इस्ट्रोजन है, ठीक है, जो इस्ट्रोजन है वो दो हार्मोन से मिलके बना है, जो नाम है इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन जो हार्मोन का नाम है वो दो से मिलके बना है, ठीक है, इसका नाम है ईस्ट्रा, देखो मैं लिख रहा हूं ईस्ट्राडियोल, ठीक है, ईस्ट्राडियोल, और सेकंड जो इसका नेम है वो जो जिससे मिलके बना है सेकंड और चीज, ये इसका नाम है आपके कौन सा हार्मोन है, ईस्ट्रोन, ठीक है, ये दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, इसके अंदर दोनों ग्रुप है, दोनों को मिला के क्या बोला है ईस्ट्रोजन। तो ये एक्चुअल में क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिए तुरंत अभी, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन किस किस से मिलके बना है, ईस्ट्राडियोल, ESTRADIOL, ईस्ट्राडियोल और ईस्ट्रोन, ईस्ट्रोन, ठीक है, हमारे अंदर जो फॉर्म होती है वो ईस्ट्राडियोल करके होती है, ठीक है, मेनली सेकेंड इज ईस्ट्रोन, नहीं ईस्ट, मैं बोल रहा हूं दोबारा स्पेल आउट कर देता है, ईस्ट्रोन, ईस्ट्रोन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझो आप, ना 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 थ्री टाइप नहीं है, थ्री टाइप नहीं है, ईस्ट्रोजन ये दोनों का मिलके बना हुआ कॉम्बिनेशन में ईस्ट्रोजन बोलेंगे, ये दोनों मिलके ईस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है, टाइप्स ट्रिप्स नहीं है, ठीक है, ईस्ट्रोजन इन दोनों को मिलके ईस्ट्रोजन बनता है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ध्यान से समझो एक बात, ठीक, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, देखो जल्दी मैंने बनाया अभी, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड की बनी हुई है ना, लिपिड की बनी हुई है। तो देखो ये हार्मोन आया, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन यहां पे आया, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन यहां पे आया और यहां आपके फॉस्फोलिपिड की ये लेयर है, ठीक है, ये मान लो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये आपके फॉस्फोलिपिड है, ठीक। तो देखो ये क्या होगा कि लिपिड तो सोल्यूबल है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके सेल के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से प्लाज्मा को क्रॉस कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, और उसके अंदर चला जाएगा, फिर अंदर इसके जो भी रिसेप्टर होंगे उस पर यह काम करेगा। तो एक पॉइंट और लिख दीजिए, कैन डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लिपिड डिराइव्ड हार्मोन के आगे एक चीज और लिख दीजिए, कैन डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कैन डिफ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ जी, आगे चलें,
हाँ या ना बोलो जल्दी। ये चीज समझ में आ गई होगी। लिपिड डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, लिपिड सॉल्युबल, कीटोन ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल कीटोन होगा तो ऑन लगाएंगे, अल्कोहल होगा तो ऑल सफिक्स करेंगे, उसके पीछे लगाएंगे। ठीक है, इतने सारे हॉर्मोन्स के मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन के अंदर दो चीजें ये क्या कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है सर। नेक्स्ट आपके आता है, नेक्स्ट आता है आपके अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन। अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन। ठीक है, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन। ठीक है, ये आपको समझना है, ये क्या है, दीज आर वॉटर सोल्यूबल। पहली बात क्या याद रखना है, वॉटर सोल्यूबल, वो क्या थे, लिपिड सोल्यूबल है, और ये क्या है आपके, वॉटर सोल्यूबल है। ठीक है, दीज आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड है कुछ आपके, कौन सा, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, न्यूट्रिशन वाले आपको बताएंगे कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल है, जो भी। ठीक है, दूसरा केमिकल नेम हैज सफिक्स आई एन ई। ठीक है, ये लगेगा लास्ट में, INE हमेशा अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन के पीछे। ठीक है, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स के पीछे ये लगेगा। एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे कि आपके एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, थायरोक्सिन, मेलेटोनिन, INE लगेंगे लास्ट में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये कौन से, जब भी हम आगे हार्मोन पढ़ेंगे तो केवल सीधी सीधी इतनी बात करेंगे, अमाइनो एसिड ड्राइव्ड है या लिपिड ड्राइव्ड है या पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो ये आपके बहुत तीन ही पॉइंट हुए इसके अंदर, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कौन कौन से हुए आपके, अमाइनो एसिड ड्राइव, वॉटर सोल्यूबल, डिराइव्ड फ्रॉम दी टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, नेम्ड अमाइनो एसिड, केमिकल नेम हैज सफिक्स INE, एपिनेफ्रिन इन लगेगा आगे। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, मेलेटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेप्टाइड हॉर्मोन्स। पेप्टाइड हॉर्मोन्स, पेप्टाइड हॉर्मोन्स की बात करें, हाँ जी, तो देखो इनके अंदर क्या होता है, दीज हैव सॉल्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। दीज आर ऑल्सो वॉटर सोल्यूबल। एक बार टाइप समझ लो, ठीक है, फिर हर हॉर्मोन को बात करेंगे, टेंशन मत लो। वॉटर सोल्यूबल, ठीक है, फैट इनसोल्यूबल,
फैट इनसोल्युबल, ठीक है, वॉटर सोल्यूबल, ठीक। अब इनकी बात करें, ये पेप्टाइड हार्मोन है, जैसे इसके बहुत सारे हार्मोन है जो बच गए जो हमने इधर लगा रखे, ठीक है, जैसे कि वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, इंसुलिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जीएचएफएसएच, जीएचएफएसएच एलएच, ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स, ठीक है, इतने ही बना लो लिस्ट, बाकी और देखेंगे, ठीक है। देखिए ये आपके पेप्टाइड हार्मोन्स। अब दिमाग के अंदर एक चीज बार 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 दिमाग के अंदर आ रही होगी कि भाई दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, वो भी तो प्रोटीन के ही बने हुए हैं, इससे पहले पढ़े थे कौन से, अमाइनो एसिड डिराइव्ड, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, ठीक है, ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं, ये भी अमाइनो एसिड चेन के बने हुए हैं, ठीक है, ये भी अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, ये भी अमाइनो एसिड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही इनके अंदर है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही इनके अंदर है भाई दोनों में से, फिर इसको पेप्टाइड क्यों बोला, इसको अमाइनो एसिड डिराइव्ड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए क्या कि इसके अंदर जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, इनके अंदर जो अमाइनो एसिड चेन होगी वो 2 to 50 अमाइनो एसिड चेन, अमाइनो एसिड उस चेन में 50 तक अमाइनो एसिड चेन हो सकते हैं, ठीक है, जबकि अमाइनो एसिड डिराइव्ड है इसके अंदर कितने होंगे, मोर देन 50 अमाइनो एसिड चेन होगी, ठीक है, मेंशन कीजिए, ठीक है, इसमें 50 तक अमाइनो एसिड चेन होगी, उसके अंदर मोर देन 50 अमाइनो एसिड चेन होगी, ठीक है, अमाइनो एसिड चेन होगी। अब चलते हैं सेल से बात कराते हैं इनकी, देखो ये आपके सेल मेम्ब्रेन, ठीक, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, ठीक है, हाँ जी, मैंने तो डिफरेंस करा दिया सर, तो ध्यान से समझो आप बात इसकी, ध्यान से समझो कि फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक, यहां पे देखो, अब ये हार्मोन मान लो यहां पे आया तो इसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकता ना, इसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, ठीक, इसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो आप सोचिए थोड़ा सा कि यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस सेल के अंदर इस हार्मोन को जाने के लिए यहां पे रिसेप्टर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये मान लो हमने पर्टिकुलर रिसेप्टर लगाया है इसके ऊपर, ठीक है, ये मान लो रिसेप्टर हमने लगा दिया, ठीक है, तो ये रिसेप्टर के थ्रू ही इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड और कौन कौन से अमाइनो एसिड डिराइव्ड जो हार्मोन है, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन से, इनके रिसेप्टर क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कहां प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन, और जो आपके लिपिड डिराइव्ड है, लिपिड डिराइव्ड है, कोई बात नहीं, लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया, ठीक है, वैसोप्रेसिन और एडीएच को अलग अलग लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया, उधर याद नहीं आया तो इधर लिख दिया, ठीक है, तो देखिए इनके अमाइनो एसिड डिराइव्ड और वैसोप्रेसिन दोनों की बात करें, इनके जो आपके रिसेप्टर हैं वो सेल के किस पे प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे और उसके इनसाइड द सेल आपके प्रेजेंट होंगे, ये आपके सेकंड पॉइंट की बात हुई, ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात हो गई है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं,
सेल के अंदर होंगे अर्चना, लिपिड में सेल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। सीधी सीधी बात है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यदि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन आएगा, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन आएगा तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, तो इसके रिसेप्टर इनसाइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस पे है, जहां पे भी है, ठीक है, वो हार्मोन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये इसकी हम बात करें कि इसमें क्या होगा, ध्यान से समझो आप, ठीक है, इसमें जो दूसरे अमाइनो एसिड डिराइव्ड है, ठीक है, अमाइनो एसिड डिराइव्ड, और दूसरे जो हार्मोन है हमारे पास कौन से, आपके पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन जो है, ये दोनों इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, तो यहीं पे हमको रिसेप्टर पहले लगाने पड़ेंगे। तो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, ऑन सेल मेम्ब्रेन, ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक कॉमन बात इसके अंदर है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में, करें स्टार्ट। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस, ठीक है, देखिए मैं न्यूरो में जाने की उतनी कोशिश नहीं करूंगा, सीधा जो हाइपोथैलेमस की थोड़ा सा आपको इंटरव्यू देके, ठीक है, उसके बाद उनके हॉर्मोन्स की मैं बात करूंगा, ठीक है, मेरे को 18 टू 20 आवर्स में इसको खत्म करना है, ठीक है। पहली बात, इट इज लाइज, जो पहले पॉइंट याद रखना है आपको क्या है, इट इज लाइज बिलो द थैलेमस, बिलो द थैलेमस, ठीक है, अब इसके लिए न्यूरो पढ़ना पड़ेगा, थैलेमस कहां है, ठीक है, उसके लिए। दूसरी बात हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखना है, हाँ जी, भवेश भट्ट सर, थैंक यू सो मच, सो मच टू कंट्रीब्यूटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, हाँ जी, बिलो द थैलेमस। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि इट इज पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, इट इज द पार्ट ऑफ डायन्सेफेलॉन, इट इज पार्ट ऑफ डायन्सेफेलॉन, लोकेटेड इंफीरियर टू थैलेमस। बात वही हुई कि थैलेमस के क्या होता है, इन्फीरियर होता है, ठीक, थैलेमस के इन्फीरियर होता है, ठीक है। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है आपके, ठीक है, थैंक यू अंजलि एस के मैडम फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 60 रुपीज, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये आपके हाइपोथैलेमस की बात हुई। हाँ जी, अब हाइपोथैलेमस के कैसे हार्मोन कैसे रेगुलेट करते हैं उनकी हम बात करें, तो थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, उससे हम आगे की तरफ चलेंगे। तीन पॉइंट एक बार दोबारा आपको डिक्टेट करवा देता हूं। बिलो द थैलेमस पार्ट ऑफ डायन्सेफेलॉन, डायन्सेफेलॉन क्या होता है, न्यूरो के क्लास में बात करेंगे, ठीक है। लोकेटेड इन्फीरियर टू थैलेमस, कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो ये आपका हाइपोथैलेमस है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ऐसे मानो, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस है जो ऊपर के पार्ट की तरफ है, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहां से देखो एक स्ट्रक निकल रहा है, स्ट्रक पिट्यूटरी स्ट्रक, ठीक है, जो यहां मिलके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड,
ठीक है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड बनाई है, ठीक है। न्यूरो वाली चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, सीधा सीधा आपको समझना है। ये आपका हाइपोथैलेमस है। थैंक यू आशीष सर टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग 19 रुपीज, थैंक यू सो मच। ठीक, ध्यान से समझना मेरे बात को। देखो ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इधर ही दिख रहा है ना, ये आपके पोस्टीरियर, ठीक है, ध्यान से समझना है कैसे। ये आपके हाइपोथैलेमस, तो देखो हाइपोथैलेमस में ये कुछ न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है एक, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूरल सेल बॉडी है आपके, ठीक है, ये इसका एक्सोन होके यहां हमने ओपन किया, ठीक है, ये एक ऐसी न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, ठीक है, ये हमने इधर ओपन किया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो ये हैं आपके, इनका नाम दे देते हैं, जो ये न्यूक्लियस है इनका नाम दे देते हैं, पैरा वेंट्रिकुलर, पैरा वेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक, पैरा वेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिकुलर न्यूक्लियाई, पैरा ऑप्टिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहां से देखो हाइपोथैलेमस से यहां पे सीधा न्यूरल कनेक्शन है किसका, इस ग्लैंड का, ठीक है, सीधा न्यूरल कनेक्शन है इस ग्लैंड का, ठीक है। सालू पटानिया थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग 60 रुपीज, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो देखो न्यूरल कनेक्शन है कहां से, पैरा वेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक, ऑप्टिक कायास्मा, ठीक है, ऑप्टिक कायास्मा इधर है उसके ऊपर सुप्रा ऑप्टिक, तो न्यूरल कनेक्शन है किसके साथ, इसके साथ, ये लोब के साथ, ये आपका है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ध्यान से समझो इसको, देखो हाइपोथैलेमस का, ठीक है, एंटीरियर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके साथ न्यूरल कनेक्शन है, न्यूक्लियस इधर है, एक्सोन होते हुए यहां तक आ रहे, न्यूरल कनेक्शन है, ठीक है, न्यूरल कनेक्शन है इसका, और जो इधर है यहां पे क्या है, ध्यान से इसको भी समझो, देखो यहां पे एक वेन है, ठीक है, ये वेन की कैपिलरीज है, ये वीनस कैपिलरीज है, ठीक है, और यहां पे भी कुछ आपके न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, यहां पे भी कुछ आपके न्यूक्लियाई हैं जो कुछ हार्मोन सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, इस हार्मोन को यहां डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले न्यूक्लियस इस हार्मोन को यहां डिपॉजिट किया, यहां से देखो ये हार्मोन क्या होगा, इस ब्लड के अंदर चला जाएगा, ये एक वेन है, इसके अंदर चला जाएगा और यहां आके आपके स्टोर हो जाएंगे, ये हार्मोन सीधे यहीं पे रिलीज हो जाएगा, ठीक। अब सोचिए कि जो ये है आपके, इसके दोनों साइड में देखो ये वेन है, इसके दोनों साइड में कैपिलरीज है, यहां पे भी कैपिलरी है, यहां पे कैपिलरी है, ठीक है, देखो वेन दैट बोथ साइड, दैट बोथ साइड्स हैज कैपिलरीज, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, जिसके दोनों साइड में कैपिलरी हो उसको बोलते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। तो देखो इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमिक, क्योंकि हाइपोथैलेमस से है, हाइपोफिशियल
हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो इसके साथ ब्लड का मेनली इसके साथ कनेक्शन है आपके, किसका, न्यूरॉन का, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना, ठीक। एक बोन है आपके, बोन है स्पिनोइड बोन, स्पिनोइड बोन, स्पिनोइड बोन, ठीक है। स्पिनोइड बोन की बात करें तो उसके अंदर जो नोच है, ठीक है, स्पिनोइड बोन में एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन, ठीक है, एक डिप्रेशन है आपके, डिप्रेशन इन सेला टर्सिका, डिप्रेशन इन सेला टर्सिका, एक बार मैं लिख देता हूं उसके बाद बोलता हूं, टेंशन मत लो, सेला टर्सिका, ठीक है, सेला टर्सिका, स्पिनोइड बोन, ठीक है, ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचो स्पिनोइड बोन, ठीक है, उसमें भी क्या एक डिप्रेशन, सेला टर्सिका जो जगह है, सेला टर्सिका नाम का जो एमिनेंस है, ठीक है, इस पे जो डिप्रेशन है आपके उसको बोलते हैं हाइपोफिशियल फोसा, हाइपोफिशियल फोसा, और इसके अंदर ये ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हाइपोफिशियल फोसा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसी की वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफिशियल ग्लैंड, ठीक है, दूसरा नाम क्या देंगे, हाइपोफिशियल ग्लैंड, ठीक है, हाइपोफिशियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा क्या बोल देंगे, हाइपोफिशियल ग्लैंड यहां पे बोलेंगे, ठीक है। और जो इसके बारे में याद रखनी है, ये क्या है आपके, पी शेप ग्लैंड है, पी शेप ग्लैंड है, ठीक है, और बताएंगे उसको, एक बार समझ लो कि कैसे कैसे है, उसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो पार्ट्स किए हमने, एक तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके साथ ये पोर्टल कनेक्शन है, ठीक है, इसका नाम है दूसरा एडीनो हाइपोफाइसिस, एडीनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसके साथ न्यूरल कनेक्शन है उसका नाम है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक बार इतनी चीजें देखो एक बार ढंग से, ये हाइपोथैलेमस, दो यहां पे न्यूक्लियस है, नाम याद रखना पड़ेगा, सुप्रा वेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जिनका कनेक्शन है सीधा किसके साथ, आपके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एक चीज और रह गई यहां पे, ये कौन सा है बीच में, इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब, ये आपके होगा कौन सा है, इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। तो तीन लोब इसके हुए, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले ये चीज याद रख लीजिए, ठीक है, कौन सा, हाइपोफाइसिस। तो यहां पे याद रख लीजिए इन दोनों न्यूक्लियस को, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस, सुप्रा वेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, दे फॉर्म एडीएच और ऑक्सीटोसिन, दे फॉर्म एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, सुप्रा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यही बनाते हैं आपके क्या,
सिंथेसिस ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, यहां सिंथेसिस होंगे, स्टोर कहां होंगे, यहां पे, ठीक है, स्टोर एंड रिलीज एडीएच ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये कौन सी करेगी, न्यूरो हाइपोफाइसिस आपके इसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। एक बार ये न्यूरल कनेक्शन वगैरह आ गया तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है, यहां तक का हो गया, आगे चलता हूं। हाँ जी, यहां तक का हो गया तो आगे चलूं, बात करेंगे हम अभी इसकी पिट्यूटरी की बात करेंगे, अभी की नहीं है, क्या हुआ, वीडियो अटक गया क्या। हाँ जी चलो, हाँ जी अब चलते हैं हम आगे हाइपोथैलेमस की बात करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपो थैलेमस हार्मोन, ठीक है, लिस्ट बना लो भाई, हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमिक थैलेमिक हॉर्मोन्स। हाँ जी कहाँ गए, कनेक्टिविटी गई है क्या, देखो एक बार, हाँ जी अब क्लियर है। हाँ जी तो मैं लिख रहा हूं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है, देखिए आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, ध्यान से समझो, फर्स्ट जो हार्मोन है आपका, ठीक है, वो है आपके टीआरएच, फर्स्ट हार्मोन है आपका टीआरएच, ठीक है, मैं लिख रहा हूं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जल्दी जल्दी इस पे बात करना है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा, जीएनआरएच, गोनाडो ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, फिर आपके है जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, फिर आपके जीएचआईएच, ग्रोथ हार्मोन हार्मोन इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, और आगे चल रहे हैं के एम आई मेलेनोसाइट्स इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट्स इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके MIH हो गया, PIH, PIH, प्रोलैक्टिन, इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर आता है आपके CRH, कोर्टिकोट्रोफिन, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपके हार्मोन है भाई। ठीक है, कितने सारे हो गए? 7 हार्मोन्स है। ठीक है, सबके सब याद रखने पड़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखो शुरुआत का जो हार्मोन है याद रखने का तरीका, ठीक है एक बार लिख लो जल्दी, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो शुरू शुरू से हमको शुरू करना है, वो रिलीजिंग हार्मोन से शुरू करना है। ठीक है, और लास्ट में खत्म भी किसी पे करना है, रिलीजिंग पे ही खत्म करना है, रिलीजिंग पे ही खत्म करना है। ठीक है, और 4 आपके रिलीजिंग हार्मोन है, 3 इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, 4 आपके रिलीजिंग है और इनहिबिटिंग हार्मोन है 3। ठीक है, शुरू में आपको शुरू भी रिलीजिंग से करना है, खत्म भी रिलीजिंग पे ही करना है। ठीक है, देखो रिलीजिंग हार्मोन, लास्ट में भी रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और आपको शॉर्ट फॉर्म इसका ध्यान से। ठीक है, तो देखो आपको शॉर्ट फॉर्म इसकी याद रखना है। कैसे याद रखोगे, ध्यान से समझो, इधर आ जाओ जल्दी। ठीक है, जल्दी ठीक, दो अलग से पढ़ेंगे उनको, इसमें मिक्स नहीं करेंगे, उनको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो हार्मोन है, ठीक कनेक्टिविटी सही है ना, एक बार क्या दिक्कत हो रही है? हाँ जी, जो ये हार्मोन है इनको सिंपल एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, कैसे? देखो दी गर्ल्स, ध्यान से समझना, दी गर्ल्स मेक्स परफेक्ट क्रेजी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, दी गर्ल्स मेक परफेक्ट क्रेजी। ठीक है, लड़कियां पूरी तरीके से पागल कर देती है। ठीक है, ऐसा परफेक्ट मतलब अच्छा वाला। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, इसको याद रख लो, दी गर्ल्स मेक्स परफेक्ट क्रेजी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? THE, इससे याद रखो, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये गर्ल्स। ठीक है, मेन चीज तो, मेन पॉइंट तो इसमें यही है ना, इससे 3 हार्मोन याद रखने हैं, जी से गर्ल्स। ठीक है, एम से आपको याद रखना है मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, पी से प्रोलैक्टिन वाला, और क्रेजी से कोर्टिकोट्रोफिन, कोर्टिकोट्रोफिन, कोर्टिकोट्रोफिन दी गर्ल्स मेक परफेक्ट क्रेजी। ठीक है, कोर्टिकोट्रोफिन। ठीक है, ऐसे याद रखना है, पूरे के पूरे एक साथ याद रखो। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, फिर 2 हार्मोन और बच गए, उनपे क्वेश्चन आता है अलग से, वो अलग से लिखेंगे। ये दी गर्ल्स मेक परफेक्ट क्रेजी, टी से ठीक है, थायरोट्रोफिन हार्मोन गर्ल्स से। देखो कैसे याद रखोगे, रिलीजिंग से शुरू करना है, लास्ट में रिलीजिंग, 4 रिलीजिंग है, 3 इनहिबिटिंग। ठीक है, देखो GnRH, GHRH, GHIH। ठीक है, MIH मेलेनोसाइट्स, PIH और CRH। ठीक है, खत्म। ठीक है, आज सारे जोक्स गर्ल्स पे हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, मिटा रहा हूं इसको। तो लड़के तो सुनेंगे नहीं ना, गाली देंगे वापस। ठीक है,
मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट दो हार्मोन और याद रखो, ठीक है, दो एग्जांपल और याद रखो, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ठीक है, क्या याद रखोगे, फॉर्मेशन फॉर्मेशन इन हाइपोथैलेमस इन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और इनका दोनों की बात करें, दीज आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड, कहां पे लिखोगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस, सभी हॉर्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है। सभी हॉर्मोन्स की बात करेंगे, जल्दी लिखो इसको, द गर्ल्स मेक परफेक्ट क्रेजी। हाँ जी, अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है, इसको भी देखो अभी 10 मिनट में पूरी करते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स फिर हर एक हॉर्मोन के बारे में बात करेंगे, कहां से बनता है, क्या करता है, क्यों करता है, ठीक है, सबकी बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, शुरू कीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड डायग्राम अभी आपको बनाया था, ठीक है, दो चार पॉइंट है इसके साथ, पहले वो लिखिए, लोकेटेड इन बेस ऑफ ब्रेन ऑल्सो नोन एज, देखिए बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं ये, ठीक है, मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस, ठीक है, मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस, थर्ड पॉइंट जो सिचुएटेड इनटू अ डीप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन सिचुएशन इनटू डीप डिप्रेशन इनटू सेला टर्सिका ऑफ, याद रखना, स्फेनोइड बोन इन हाइपोफिशियल फोसा। अरे सब बताएंगे, टेंशन मत लो आप, हाइपोफिशियल फोसा, सेला टर्सिका के बारे में अलग से पूछा जा सकता है, यहां पे लिख दीजिए, सेला टर्सिका क्या होता है, कॉनकेव एरिया ऑफ स्फेनोइड बोन, कॉनकेव का मतलब ऐसा होता है, ठीक है, जो किनारों से चौड़ा हो, बीच में से पतला हो, ठीक है, कॉनकेव ऑफ स्फेनोइड बोन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसके बारे में याद रखना है वो है, ध्यान से समझना है थोड़ा सा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो पी शेप है, ठीक है, पी शेप का मतलब है मटर के दाने के हिसाब से की तरह पी शेप्ड है, ठीक है। दूसरा, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है किससे, पिट्यूटरी स्टॉक कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी और हाइपोफिशियल स्टॉक, ठीक है, जो दोनों के बीच में कनेक्शन बताया था, ठीक है, जैसे ये हाइपोथैलेमस, ये कनेक्शन बताया था, ये तो ये क्या है आपके हाइपोफिशियल स्टॉक। हाँ जी, अब आते हैं लोब्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब। लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब, ठीक, बात कर रहे हैं हम। दोनों का ही होता है। हाँ जी, लोब्स की बात करें तो देखो ध्यान से समझो, आपके हैं कौन कौन सा, एंटीरियर लोब, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, पोर्टल कनेक्शन है, ठीक है, पोर्टल वेन वाला कनेक्शन है, ठीक है। दूसरा है आपका पोस्टीरियर लोब, इसमें न्यूरल कनेक्शन है, तो क्या लिखा हुआ है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक और है आपके इंटरमीडिएट लोब, ह्यूमंस के अंदर इतना इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, उस हार्मोन का नाम है आपका MSH, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आपको पता ही है, स्टोर एंड रिलीज ऑफ ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। थर्ड रिपीट, इंटरमीडिएट लोब, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एंटीरियर लोब में है हमारे पास, देखो कौन कौन से हैं, देखो
हमारे पास है FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और है हमारे पास ACTH, एडिनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एडिनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, और एक और है हमारे पास TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर हमारे पास है, इधर लिख रहा हूं, फिर हमारे पास है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, फिर हमारे पास है एंडोर्फिन, एंडोर्फिन, ठीक है, और फिर हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक। हाँ, अब ध्यान से समझो, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन पहले बता दिया ना हाइपोथैलेमस में, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक। अब ध्यान से आपको समझना है, ट्रिक इसकी समझनी है कि इसकी ट्रिक क्या है। देखो, अब हर चीज के उसूल होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कोई ड्रग पढ़ते हैं, कोई बीमारी पढ़ते हैं, बीमारी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन पढ़ने के साथ उसके फिर हम डायग्नोस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं या उसकी इटियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर डायग्नोसिस, फिर लास्ट में उसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक तरीका होता है पढ़ने का कि भाई ऐसे 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 आपको पढ़ना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही देखो, अल्कोहल जो लोग पीते हैं उनके कुछ तरीके होते हैं, ध्यान से समझो, इंटरेस्टिंग जोक है, ठीक है, जो अल्कोहल लेते हैं, जो पीते हैं, उनको तरीके होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो, जो शुरुआत में पहली बार तो अल्कोहल का पीते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वेलकम, ठीक है, वेलकम हो रहा है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं वेलकम पैग, ठीक है, और तीन चार पीने के बाद वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, तन घूमे मन घूमे वाले कहानी, ठीक है, वो हो जाते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लैट पैग, ठीक है, फ्लैट पैग, तो आपको फ्लैट पैग से याद रखना है, ठीक है, फ्लैट पैग, ठीक है, फ्लैट पैग से याद रखना है, ठीक है, फ्लैट पैग बिल्कुल याद रहेगा, वेलकम पैग और फ्लैट पैग, ठीक है, फ्लैट FLAT फ्लैट पैग, ठीक है, और ये PEG फ्लैट पैग, ठीक है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग LCLH ACTH और TSH, ठीक है, पैग से याद रखोगे क्या, प्रोलैक्टिन एंडोर्फिन और GH, प्रोलैक्टिन एंडोर्फिन और GH, सुरेश लोहिया जी बोला ना इंटरमीडिएट लॉब से आता है, ठीक है, ये फ्लैट पैग ऐसे याद रखोगे। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है इसकी, वो भी आपको याद रखना है ना, ये भी आपको, देखो फालतू की बातें नहीं करोगे रवि वैष्णव सर, ठीक है, प्लीज ध्यान दो, मैं कुछ चीजें सुलझाने के लिए लगा हुआ हूं, फ्लैट पैग जिसमें खत्म, ठीक है। तो एक चीज और है, जो देखो दो वर्ड है ना, फ्लैट और पैग, ठीक है, जो फ्लैट वाले है ना, ये वाले जितने भी हार्मोन है, ये आपके ट्रॉफिक हार्मोन है, क्या है, ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन है,
ट्रॉफिक हार्मोन का मतलब समझते हो, ट्रॉफिक हार्मोन का है एक्ट ऑन अनदर ग्लैंड, ऐसे हार्मोन जो दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हो कुछ ऐसा, ठीक है, एक्ट ऑन अनदर ग्लैंड, एक्ट ऑन अनदर ग्लैंड, ठीक है। ये तो ट्रॉफिक हार्मोन है, ठीक है, और ये आपके डायरेक्ट जो काम करेंगे पैग, ठीक है, डायरेक्ट एक्ट ऑन टिश्यूज, ठीक है, जिस भी टारगेट सेल पे काम करना है उस पे सीधे जाके आपके काम करेंगे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखने की हुई आपकी, ठीक है, क्लियर होते ही बताओ मेरे को एक बार, वीडियो क्लियर होते ही। देखिए कैलाश महला जो है ये कैलाश सर तो नहीं है, कैलाश महला सर से मैं बात कर रहा हूं, आप ओल्ड जीएमआर के कैलाश सर तो नहीं है, कंफर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। कैलाश महला सर मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज एक बार टाइप करें, क्या जीएमआर वाले कैलाश सर हैं जो 2012 में कोचिंग करवाते थे? हाँ जी, तो सुनिए अब मेरी बात, ठीक है। देखो ये सारे के सारे ट्रॉफिक हार्मोन है, ट्रॉफिक हार्मोन मतलब दूसरी से इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ये दूसरे हैं एंटीर ये वाले, ये डायरेक्ट आपके उस पे दूसरे पे काम कर, मतलब डायरेक्ट उस पे काम कर रहे हैं। प्रोलैक्टिन हुआ, एंडोर्फिन हुआ, ठीक है, एंडोर्फिन और ग्रोथ हार्मोन, एंडोर्फिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो देखिए ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, ये आपके किसके हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट हैं, चलिए अब हम देखते हैं आगे की थोड़ी सी बातें कि ये आपको याद रखना है और इससे इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, ठीक है, जो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी अभी हम पढ़ेंगे, उसको ढंग से हमने हॉर्मोन वगैरह डिस्कस किए, ठीक है, और आगे के क्लासेज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जल्दी से फीडबैक सबमिट कीजिए और आगे चलते हैं। एंडोर्फिन पेशेंट को हैप्पीनेस, खुशी देता है, ठीक है, क्या करता है, हैप्पीनेस, एंडोर्फिन। अभी हार्मोन के बारे में बात ही नहीं की ना, जब किए करेंगे सभी के साथ करें, ठीक है। कुछ मॉर्फिन जैसा है, खुशी देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, कुछ फीडबैक आपको देना चाहते हो तो दे सकते हो, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है कि आपकी क्लास अच्छी हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी में मेलेनोसाइट्स वगैरह बताया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। यदि दोनों में से एक में बताएगा तो एंटीरियर में बताएगा, अदरवाइज वो इंटरमीडिएट लॉब में है। एंडोक्राइन पूरी सिंपल होगी, टेंशन मत लीजिए आप, किसी भी तरह की कुछ भी दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।